हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में आपको दिखेगा। थर्ड नंबर का जो चैप्टर है एसिड बेस टाइट्रेशन के रिलेटेड। जैसा कि ये एसिड बेस टाइट्रेशन जो टॉपिक है, इट इज नॉट ओनली फॉर बी फार्म स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री इन एमएससी, बीएससी, दोज स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को देखना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके, तो एज वी नो दैट द एसिड बेस टाइट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। न्यूट्रलाइजेशन, व्हाई न्यूट्रलाइजेशन? बिकॉज ऑफ when the acid and base is reaction and titrated, the salt and water is formation. Okay, that's why we call off the neutralization titration. Okay, जैसा कि हम जानते हैं acid based titration जो है वो mainly किसी भी acid को, जैसे कि अपन ने NaOH ले लिया, NaOH क्या रहेगा सर? base है। acid क्या है? HCl है सर। इन दोनों का अपन ने reaction कराया, then what we'll get? NaCl and H2, यहां पे आप देख रहे हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई वी कॉल द न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके, देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हैविंग नोन कंसेंट्रेशन इन एसिड टाइट्रेशन, सॉरी, अगेंस्ट द अननोन कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन किसी एसिड का एनालिसिस कर रहे हैं, किसी भी एसिड सैंपल का अपन को कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो उसके अगेंस्ट में अपन क्या यूज करेंगे? बेस यूज करेंगे सर, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, एक एग्जांपल अगर अपन ले लेते हैं कि सर मैंने NaOH लिया और HCl लिया, NaOH जो है वो ब्यूरेट में भर दिया एंड HCl देन फिल्ड विद कॉनिकल फ्लास्क, देन अब मैं दोनों की रिएक्शन कराता हूं, तो क्या होगा कि अगर 10 ml जो अगर मैंने कॉनिकल फ्लास्क में जो है मैंने 10 ml approximately HCl लिया है, तो approximately जो मेरा यूज कितना आएगा NaOH? Around 10 ml के। क्यों? क्योंकि जितने एसिड के मॉलिक्यूल है, 10 molecule approximately अपन लगते हैं कि 10 ml है, तो 10 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए 10 ml NaOH यूज आएगा। तो इस टाइप की टाइट्रेशन को अपन क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, जिसको कि अपन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके, तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अपन जानते हैं एसिड और बेस का टाइट्रेशन होने से साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। द कांसेप्ट ऑफ एसिड बेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि कांसेप्ट क्या है एसिड बेस का। व्हाट इज द एसिड, व्हाट इज द बेस? ओके, तो अकॉर्डिंग टू कांसेप्ट देयर इज अ थ्री कांसेप्ट, या कह दीजिए आप थ्री थ्योरी ऑफ द एसिड बेस। फर्स्ट इज आरेनियस एसिड बेस थ्योरी, सेकंड इज ब्रोस्टेन-लॉरी प्रोटॉन थ्योरी एंड थर्ड इज लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ओके, नेक्स्ट, जैसा कि अपन जानते हैं फर्स्ट सेकंड तीन जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपने हिसाब से तीनों की अलग अलग जो है थ्योरी एस्टेब्लिशमेंट की, एसिड क्या है, बेस क्या है, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज है, उस हिसाब से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट देखिए ये जो टॉपिक है इसमें पहले अपन एसिड बेस के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में टाइट्रेशन के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन का एक और इसका सेपरेटली वीडियो बनेगा। ओके, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सारे टॉपिक वाइज मैं एक एक करके वीडियो बनाता जाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पूरी की पूरी मैंने सब्जेक्ट के रिलेटेड बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पूरी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज आप उसमें जाके वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए टॉपिक पे चलते हैं वापस। फर्स्ट इज आरएनए, आरएनए थ्योरी, ब्रोस्टेन-लॉरी थ्योरी और लुईस थ्योरी आप जैसे कि 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। आरएनए के अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू आरएनए कांसेप्ट द एसिड इज सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर। एज वी नो दैट द HCl, अगर HCl को अपन वाटर में डालेंगे तो H+ और Cl- मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट, यस, सो
According to Arrhenius' concept, base is substance which gives the hydroxy OH ion in the water. ओके तो एक एग्जांपल अपन ने ले लिया HCl जो है इसको वाटर में डालेंगे. तो Arrhenius साहब ने क्या बोला कि भैया अगर एसिड किसी भी एसिड सब्सटेंस को अगर अपन वाटर में डालेंगे तो वो H प्लस आयन देगा. HCl को अपन एसिड में डालेंगे तो H प्लस आयन जो है वो देगा, और अगर बेस को डालेंगे वाटर में तो वो हाइड्रोक्साइल OH आयन जो है वो वाटर में देगा. ये कंसेप्ट जो था वो Arrhenius का था. फिर ब्रॉस्टेड एंड लॉरी थ्योरी आई थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ. उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉस्टेड एंड लॉरी थ्योरी द एसिड इज केमिकल विच गिव्स द प्रोटॉन H प्लस इन सॉल्वेंट. तो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड है, एंड बेस इज अ केमिकल विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन H प्लस इन सॉल्वेंट. मतलब अगर जो बेस है वो H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे एंड जो एसिड है वो H प्लस को देंगे गिव्स. ओके नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट इज लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी. इट इज इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट एसिड इज सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. ओके ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करते गिव द इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर द कॉल्ड एज बेस. ओके तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या था, जो एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर सब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं वो सारे के सारे क्या रहेंगे एसिड, एंड बेस कौन से रहेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को गिव इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. द एग्जांपल क्या हो जाएंगे NH3 है OH है ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे. नेक्स्ट थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर इट इज इंपॉर्टेंट. ओके फर्स्ट इसमें अगर देखें अपन इस टॉपिक में जो है अपने इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस, फिर एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में, फिर थ्योरी ऑफ एसिड बेस के बारे में, फिर न्यूट्रलाइजेशन कर्व के बारे में मतलब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में अपन पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट आती है थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर अपन किसी एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है इंडिकेटर कौन सा यूज करना है ना, विच आइदर द फिनोफ्थल इंडिकेटर यूज करना है या फिर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करना है, कौन सा इंडिकेटर जो राइट रहेगा और क्या रहेगा, इस कंसेप्ट को मैं अभी आपको समझा देता हूँ. ओके नेक्स्ट अपन चलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर केमिकल डिटरमाइन द एंड पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन चेंजिंग द कलर अकॉर्डिंग टू पीएच ऑफ सॉल्यूशन. पहले मैं इसका थोड़ा सी आपको थ्योरी बता देता हूँ. जैसे कि अपन पीएच अगर अपने पास बेस और एसिड का टाइट्रेशन अगर अपन करा रहे हैं, जैसे कि ब्यूरेट में जो है अपने ब्यूरेट में अपने फिल कर दिया NaOH और कॉनिकल फ्लास्क में अपने HCl जो है फिल कर दिया, उस कंडीशन में अपन कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ इंडिकेटर एंड पीएच ऑफ कलरिंग गिव्स द इंडिकेटर. मतलब उस कंडीशन में अपन फिनोफ्थलिन यूज करेंगे. सर फिनोफ्थलिन क्यों यूज किया, बिकॉज फिनोफ्थलिन जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक कंडीशन में अपना कलर नहीं देता है, और जैसे ही वो बेस में कन्वर्ट होगा वो अपना पिंक कलर जो है देगा, और जैसे ही पिंक कलर आएगा अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है इसका एंड पॉइंट आ चुका है, कलर चेंज हो चुका है, सॉल्यूशन जो जितने भी एसिड के जो मॉलिक्यूल थे वो बेस में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जैसे ही एक्सेस अमाउंट में जो फिनोफ्थलिन इंडिकेटर रहेगा वो बेस से टाइट्रेशन करके पिंक कलर जो अपन को दे देगा. तो ये तो नॉर्मल जो इंडिकेटर की अपन बात करें जो अपन फिनोफ्थलिन और मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अगर साइंटिस्ट की बात करूं तो फर्स्ट ओस्वाल्ड थ्योरी और रेजोनेंस थ्योरी दो टाइप की थ्योरी थी रिलेटेड टू इंडिकेटर. ओस्वाल्ड थ्योरी में क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर आइदर द वीक एसिड ए वीक बेस हैविंग अ डिफरेंट कलर इन आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन. ओके तो ओस्वाल्ड जो थे उन्होंने अपने साइंटिस्ट ने उनकी थ्योरी क्या थी कि अगर कोई इंडिकेटर है वो या फिर तो वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा, और उसका खुद का जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा. अगर वो आयनाइज फॉर्म में है तो उसका अलग कलर होगा, अनआयनाइज फॉर्म में है तो उसका अलग कलर होगा. मतलब आयनाइज में कलरलेस है तो अनआयनाइज में कलरफुल होगा. ठीक है तो फिनोफ्थलिन क्या है, फिनोफ्थलिन का एग्जाम्पल अपन लेते हैं. फिनोफ्थलिन इज अ वीक एसिड, इट शोज पिंक कलर इन बेसिक मीडियम एज वी नो दैट एंड कलरलेस इन एसिडिक मीडियम. बल्कि जबकि मिथाइल ऑरेंज में क्या है, मिथाइल ऑरेंज इज अ वीक बेस, इट्स गिव पिंक कलर इन एसिडिक मीडियम एंड येलोइश ऑरेंज कलर इन बेसिक मीडियम. ओके सो एज वी नो दैट अगर एक एग्जांपल लेके आगे मैं समझा दूंगा आपको, तो ओस्वाल्ड थ्योरी ये थी कि अनआयनाइज और अनआयनाइज फॉर्म में या आयनाइज फॉर्म में तो फिनोफ्थलिन कोई भी इंडिकेटर अपना अलग अलग चेंजेस तो कलर देता है. नेक्स्ट थ्योरी आती है अपनी रेजोनेंस थ्योरी. ओके रेजोनेंस थ्योरी में क्या था, एसिड बेस इंडिकेटर इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्टिंग टू टोटोमर्स ऑफ फॉर्म फर्स्ट बेंजोनाइड एंड क्विनोनाइड्स.
ठीक है। तो रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, फिनोक्सोलिन का अपने एग्जांपल लें, इन द एसिड सॉल्यूशन द क्विनोलिन फॉर्म चेंज इन बेंजो बेंजोनेन फॉर्म टू शो द लाइटर कलर इन द इंडिकेटर ऑफ कलरलेस। ठीक है, तो जैसे कि अपन जानते हैं फिनोक्सोलिन का क्या है, फिनोक्सोलिन जो है क्विनोलिन फॉर्म से चेंज इन टू द बेंजोनिन फॉर्म इन द शो ऑफ कलरलेस। अगर एसिड सॉल्यूशन में अगर वो होता है तो वो क्विनोलिन फॉर्म से अपने बेंजोनिन बेंजोइन फॉर्म से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण उसका कलर लेस हो जाता है। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, द फॉर्म्स कलर चेंज इन क्विनोलिन फॉर्म्स टू बेंजोनिन फॉर्म, ताकि वो उसमें पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली ये डिपेंड करता है डबल फॉर्म्स पे, है ना। क्विनोलिन फॉर्म्स आर इन डबल फॉर्म डबल बॉन्ड एंड बेंजोनिन आर सिंगल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट ये एग्जांपल लेके अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, ये ब्यूरेट जो है, इस ब्यूरेट में जो है अपने सॉल्यूशन जो भरा है वो बेस है, यहाँ पे ये एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड में मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करूंगा, सर मैं फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर यूज करूंगा। फिनोफ्थेलिन ही क्यों, क्योंकि सर एसिड में फिनोफ्थेलिन का कलर नहीं आएगा, और यहाँ पे मैं बेस यूज करूंगा सर। जैसे कि ये मान लू मैं अगर कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml जो है मेरा एसिड है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलता हूँ मेरी जो ये ब्यूरेट की रीडिंग है वो यहाँ पे देखिए कर्सर जो घूम रहा है, ये ब्यूरेट की रीडिंग भी अप्रोक्सीमेटली 10 के अबाउट आएगी। और जैसे ही ये 10 मॉलिक्यूल जो है 10 ml एसिड ने 10 ml बेस को न्यूट्रलाइज कर लिया, जैसे ही न्यूट्रलाइज करने के बाद जो इसमें फिनोफ्थेलिन मौजूद है वो फिनोफ्थेलिन इसके साथ रिएक्ट करके हल्का सा पिंक कलर अपन को दिख जाएगा, और अपन को पता चल जाएगा यहाँ पे इसका जो एंड पॉइंट आ गया। अब इसके बाद अगर सर मैं ब्यूरेट से वापस से बेस जो है डालता जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं सर, एक थोड़ा सा डार्क जो है पिंक जो है लाइट से डार्क कलर में आ जाएगा एक्सेस में, इसके इस सॉल्यूशन में बेस हो जाएगा, और बेस में पूरी तरह से फिनोफ्थेलिन अपना कलर जो है पिंक शो करेगा। बेसिक फंडा है एसिड बेस हाइड्रेशन के बारे में। ओके, ये इस टॉपिक का फर्स्ट स्लॉट जो है अपने पूरा कर दिया है। सेकंड स्लॉट जो है न्यूट्रलाइजेशन हाइड्रेशन अगले वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। ओके, और भी कोई कंफ्यूजन है टॉपिक से रिलेटेड आप पूछे जरूर। ओके, एंड अगर अपन देखें तो आप देख सकते हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक टॉपिक वाइज जो है मैंने वीडियो बनाए हैं, और सीरीज वाइज मैं रोज का एक वीडियो जो है डालने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अमरसर एकेडमी, थैंक यू सो मच।